अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विद मी ज़ारनक सिदवा। ईद का आज दूसरा दिन है, आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आई होप यू हैविंग अ नाइस टाइम एंड आपने कुर्बानी भी कर ली होगी और बहुत सारी रेसिपीज़ आप लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि हम आपको सिखाएंगे अपने शोज़ में गोश्त की और कीमे की रेसिपी। आज हम कीमा बिरयानी बनाने जा रहे हैं और एक मज़ेदार सा कपकेक बना रहे हैं जो मफिन के तौर पे भी आप उसको खा सकते हैं। फ्रॉस्टिंग इसका हम करेंगे क्रीम चीज़ के साथ। इसका एक स्ट्रूसल बनाएंगे जो थोड़ा सा अंदर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और हम बहुत मज़ेदार सा ये कपकेक बना रहे हैं जिसमें बिल्कुल कॉफ़ी नहीं है, लेकिन इसका नाम ही है कॉफ़ी केक कपकेक। अब आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, कॉफ़ी तो मैंने डाली नहीं, लेकिन कॉफ़ी केक मीन्स जस्ट अ टी टाइम केक। ठीक है, टी टाइम केक कॉफ़ी केक समझ आ गई। मेरे पास यहाँ मक्खन है। सबसे पहले हमें मक्खन, मैं बताती चलूँ क्या क्या अज्जा हम डालेंगे कपकेक के अंदर। सो मक्खन है, अंडे हैं, पिसी हुई चीनी है, वेनिला एसेंस है, गाढ़ा सा दही है, इसके साथ साथ मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बोल में रख देंगे। वहाँ मेरे पास है थोड़ा सा मैदा और ब्राउन शुगर और दालचीनी का पाउडर, वो बीच में जाएगा स्ट्रूसल का और फिर हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा इसका टॉपिंग। ठीक है जी, ओके जी। तो सबसे पहले हम यहाँ मक्खन ले लेते हैं। ठीक है, 8 ounces जितना आपने मक्खन लेना है। उसमें आप पिसी हुई सफेद चीनी डालेंगे। एक के बाद एक आप उसमें अंडे डालेंगे। अब ये सारे ड्राई अज्जा जाएंगे और हम पहले वेनिला एसेंस जरा डाल दें। मैदा है, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, ठीक है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और कॉर्नफ्लावर है। अच्छा, फिर हम डालेंगे ये गाढ़ी सी दही है। ठीक है, पानी निकाल के मैंने यहाँ दही रख दिया था, वो दही जाएगी, थिक योगर्ट। और मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर और नमक। अच्छा जी, अच्छी तरह आप इसको मिक्स करिए। सो दिस इज़ योर प्लेन केक टाइप कॉफ़ी केक, टी टाइम केक। ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी केक में कॉफ़ी। ओके, यहाँ ये बैटर हमारा इसका मिक्स हो गया। अब एक बोल लेते हैं, उसमें हम ये सारे अज्जा डाल देते हैं जिसमें मैदा है, दालचीनी का पाउडर है, ब्राउन शुगर है और मक्खन है। ठीक है, मिक्स करिए ब्राउन शुगर, मैदा, मक्खन, दालचीनी का पाउडर। ये वाला मक्खन ज़रा थोड़ा ठंडा हो, पिघला हुआ नहीं हो। ये इसका स्ट्रूसल है, ऊपर भी जाएगा और अंदर भी जाएगा। इस तरह इसको कट करिए ताकि छोटे छोटे क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर ले। ठीक है, ये जाएगा केक के बैटर के बीच में। अब मैंने यह मफिन टिन लिया हुआ है। ठीक है, बड़े मफिन टिन्स मिल जाते हैं, आपको कपकेक का टिन यूज़ करना है कपकेक का टिन यूज़ कर लीजिए। इसमें हम एक एक चमचा बैटर रखेंगे, एक एक चमचा हम ये स्ट्रूसल का रखेंगे।
में कम हो, उसमें नीचे बेस में ये पूरा बैटर आ जाए, फिर आपने ये लिया इस तरह, देखें इस तरह क्रम्बल भी होना चाहिए, हाँ या जान नहीं हो, इस तरह के क्रम्स हों वो थोड़ा थोड़ा डालिए, इसमें बीच में डालिए। जब बेक होगा तो आपको पता चलेगा मैंने क्या बनाया है। इसके ऊपर दोबारा जितना कवर हो सके, दोबारा ये थोड़ा सा अब इसको मैं बेक करने रख दूंगी, ठीक है। और फिर जब ये बेक होके निकलेगा तब फिर क्रीम चीज का फ्रॉस्टिंग ऊपर जाएगा। हायर का बिल्ट इन ओवन हम यूज कर रहे हैं, प्रीहीट जरूर करिएगा इसको प्लीज, ठीक है। प्रीहीट के मायने होते हैं ऑन करके छोड़ देना, इसमें अंदर कुछ नहीं है। ये बैटर को हम बाद में एक और केक बना देंगे, हम आके ब्रेक से फिर ये क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग आपके सामने बनाएंगे। तो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब मैं क्या करूँगी, हायर के बिल्ट इन ओवन में हमने रख दिया है कॉफ़ी केक कप केक्स, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉफ़ी तो है नहीं, लेकिन जस्ट लाइक अ टी टाइम केक इट्स कॉल्ड अ कॉफ़ी केक, और उसके हमने कप केक्स बनाए हैं। आप इस डिश को, इस रेसिपी को एक केक के शक्ल में भी बना सकते हैं। सो एक बड़ा टिन लीजिएगा, पहले ये बैटर रखिएगा, फिर वो स्ट्रूसल ऊपर छिड़क दीजिएगा, फिर थोड़ा सा और बैटर रखिएगा, और इस तरह आप बेक करिएगा, ठीक है। अब इसको हमें फ्रॉस्ट किस चीज़ के साथ करना है, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। सो यहाँ मेरे पास है क्रीम चीज़, फिर इसमें हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, आइसिंग शुगर, और फिर बहुत थोड़ा सा दूध और वेनिला एसेंस के चंद कतरे। ये वेनिला बीन एसेंस है इसलिए मैं इसमें बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग है। और आप इसको बीट कर दीजिए, फिर जब ये कॉफ़ी केक कपकेक्स ओवन में से निकलेंगे तब हम इसको फ्रॉस्ट कर देंगे। ये लीजिए, रेडी, ठीक है जी। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, द कीमा बिरयानी। चावल मैंने बॉईल करके यहाँ रख दिए हैं। सबसे पहले हम तेल लेंगे, तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज, साबुत गरम मसाला, उसमें मैं ज़ीरा भी शामिल कर देती हूँ, और फिर अदरक लहसुन जाएगा। क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग आप कैरेट केक पे लगा सकते हैं, जुकीनी केक पे लगा सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी वाला केक हो, बीटरूट केक मैंने आपको बनाना सिखाया है उस पर कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में, स्पेशली वेजिटेबल वाले केक्स में बहुत अच्छा रहता है। मेरा फेवरेट तो कैरेट केक है। क्रीम चीज़ इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, तो आप घर में भी बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया है। सो नाउ लेट मी पुट इन ये प्याज, यहाँ बीफ का कीमा ले लें, चिकन का ले लें, मटन का ले लें, बट ऑब्वियसली इस सीज़न में ईद पे तो आप बीफ का कीमा यूज़ करेंगे। पहले मुझे प्याज को ब्राउन करना है। जी प्याज अच्छी तरह जब लाल हो जाए तो आप मिक्स्ड गरम मसाला, होल स्पाइसेस डाल दीजिएगा, ज़ीरा भी इसमें है शामिल, और इसको ज़रा कड़कड़ाइएगा। फिर इसमें आप डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। अदरक लहसुन को भी ज़रा भूनिए, और फिर मेरे पास यहाँ कीमा है, वो कीमा डाल दीजिए। कीमा डालने के बाद अच्छी तरह इसको आप
सॉटे करते रहिए ताकि पिंक कलर जो है वो कीमे का फिनिश हो जाए, और बीफ का ले लें, मटन का ले लें, वॉट एवर यू लाइक। फिर इसमें आपने मसाले डालने हैं। ये गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, और हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और अगर आप कैमरा कैच कर सके तो प्लीज़ शो द कॉफ़ी केक कपकेक्स, कितने अच्छे राइज हुए हैं। अभी बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलिएगा, फिर वो डिफ्लेट हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, ठीक है, जितना राइज हुआ होता है। सो मेक श्योर कि वो आप ना करें, गलती ना करिएगा। बेक हो जाएंगे, निकालेंगे, ठंडे करेंगे, और फिर ये जो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है उसका एक एक चम्मच ऊपर स्प्रेड कर देंगे। स्ट्रूसल का मतलब होता है कि अंदर से आपको एक लाइक अ सिनेमन रोल, उस तरह आपको एक इफ़ेक्ट आएगी। देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। चावल मैंने बॉईल करके रख दिए थे ताकि जल्दी से हो जाए हमारी रेसिपी कंप्लीट। अच्छा जी, इसमें अब हम मसाले डालेंगे। गरम मसाला पाउडर है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, और हरी मिर्चें हैं, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी खाना है। लिटिल बिट ऑफ वाटर, यहाँ रख रही हूँ ताकि ज़रा जल्दी से हो जाए। का ढक्कन ढाँक देते हैं ताकि कीमा हमारा जल्दी से हो जाए, और फिर हम आई एम सो टेम्पटेड टू ओपन द डोर, बट नहीं, क्लियर कांच है, लाइट है इसमें, तो हायर के बिल्ट इन ओवन में जब आप इसको बेक करेंगे तो आप बेकिंग की आपकी सारी जो चीज़ें होंगी वो आप देख भी सकेंगे राइज होते हुए। बहुत मज़ा आता है ना हमें टू सी दैट। कीमा बिरयानी की रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। बहुत थोड़ा मैंने पानी डाला है, इस ईद पे अंडर प्रिविलेज लोगों को याद रखिएगा, द लेस फॉर्चुनेट इन आर सोसाइटी, उनका भी खास ख्याल रखिएगा। गोश्त अपने फ्रीजर्स में प्लीज़ भरिएगा नहीं, बांट दीजिएगा। कीमे का पीसेस बिल्कुल भी बड़े होने नहीं चाहिए, वरना वो अंदर से पिंक रहता है, ठीक है। सो कीप ब्रेकिंग द कीमा जैसे आप पकाएं, वरना वो क्लम्प हो जाता है। अगर आप चावल अभी बॉईल कर रहे हैं तो सिर्फ प्लेन पानी में आप चावल बॉईल कर दीजिएगा। मैं बॉईल करके लेके आई हूँ ताकि जल्दी से हमारे शो में हो जाए। नाउ व्हेन यू नोट के इस तरह तेल ऊपर आ रहा है और हमारा कीमा हो गया है, दैट्स द टाइम जब आप इस पे चावल और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे, एंड देन फिर हम इसको गार्निश करेंगे धनिया पुदीना हरी मिर्चों के साथ, ब्राउन प्याज भी है। वो फिर हम दम पे रख देंगे। तो यहाँ मैं तवा रख देती हूँ और नीचे मैंने तवा रखा है, आंच हल्की कर दी है, उसके बाद यहाँ ऊपर थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान डाल देंगे और फिर मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ। ज़ाफ़रान के साथ ना थोड़ा सा मैं इस पे दूध भी डाल दूँगी, और आप इसको दम पे छोड़ दीजिए। दम पे छोड़ देंगे, फिर यहाँ ऊपर पूरी स्टीम बिल्डअप हो जाएगी, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे धनिया पुदीना ब्राउन प्याज हरी मिर्चों के साथ, डेकोरेट करेंगे और फिर आपको सर्व करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ कि हमारे जो कॉफ़ी केक कपकेक्स हैं वो काफ़ी राइज हुए हैं, ऊपर से ब्राउन हुए हैं, इसलिए कि वो स्ट्रूसल जो हमने स्प्रिंकल किया था वो ये है, ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। जी वेलकम बैक, एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, एंड माय कॉफ़ी केक कपकेक्स आर रेडी, लुक एट देम। ठीक है जी, अब इसको निकाल के हम ज़रा जाली पे रखते हैं। ये
थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे, फिर क्रीम चीज़ का हम फ्रॉस्टिंग इस पर लगाएंगे। अच्छा, मीनवाइल चावल भी हमारे डन हैं, बिरयानी, रकीमा बिरयानी। इस तरह फ्लफ अप कर दीजिए और आप इसको सर्व कर दीजिए। यहाँ मैं रख दूँ ताकि आसानी से। रायते के साथ सर्व कर दीजिएगा। कितने सारे रायते आपको बनाना मैं सिखा चुकी हूँ। थोड़ी सी ब्राउन प्याज, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है जी। योर कीमा बिरयानी इज़ रेडी। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और चूंकि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए कि हमारे जो कॉफ़ी केक कप केक्स हैं वो ज़रा सा ठंडे हो जाएं जाली पे, फिर हम इनको इसके ऊपर क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। विल टेक अ रेसिपी रीकैप। आप देखिए रेसिपीज़ दोनों आज की जो हमने बनाई हैं इस एपिसोड में, नोट करिए और ज़रूर बनाइएगा। स्टे ट्यून। कॉफ़ी केक कप केक्स अज्जा मफिन्स के लिए अनसॉल्टेड बटर 12 खाने के चमचे, पिसी चीनी 1.5 कप, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, मैदा 2.5 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1/2 चाय का चमचा, नमक 1/2 चाय का चमचा। स्ट्रोसल के लिए लाइट ब्राउन शुगर 1/3 कप, मैदा 2/3 कप, पिसी दार चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कोल्ड अनसॉल्टेड बटर 4 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ ग्लेज के लिए अज्जा, क्रीम चीज़ 3 औंस, मक्खन 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 2/3 कप, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, दूध 3 खाने के चमचे। तरकीब 12 खाने के चमचे अनसॉल्टेड बटर और 1.5 कप पिसी चीनी को लाइट और फ्लफी होने तक भेजें, फिर इसमें 1-1 करके 3 अदद अंडे शामिल करें। अब इसमें 1.5 चाय का चमचा वनीला एसेंस और 1/4 कप दही शामिल करें, फिर 2.5 कप मैदा, 2 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर, 1/2 चाय का चमचा बेकिंग सोडा और 1/2 चाय का चमचा नमक को एक साथ छान लें। अब मैदे वाले अमेजे को बैटर में शामिल करके अच्छी तरह मिलाएं। स्ट्रोसल के लिए 1/3 कप लाइट ब्राउन शुगर, 2/3 कप मैदा, 1.5 चाय का चमचा पिसी दालचीनी, 1/4 चाय का चमचा नमक और 4 खाने के चमचे कोल्ड अनसॉल्टेड बटर को एक प्याले में डालकर उंगलियों की मदद से मिलाएं। अब 1/4 कप बैटर डाल के 2 चाय के चमचे स्ट्रोसल ऊपर से लगाएं, फिर इसे अवन में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 22 से 25 मिनट या स्क्वायर साफ बाहर आने तक बेक करें। अब बेकिंग कप्स को पैन से निकालकर वायर रैक पर रख के ठंडा करें। क्रीम चीज़ ग्लेज बनाने के लिए 3 औंस क्रीम चीज़ और 2 खाने के चमचे मक्खन को एक साथ फेंट लें। अब इसमें आइसिंग शुगर शामिल करके हल्का सा फेंटें, फिर इसमें 1/4 चाय का चमचा वनीला एसेंस और 3 खाने के चमचे दूध शामिल करके स्मूथ होने तक फेंट लें। अब क्रीम चीज़ ग्लेज को ठंडे मफिन्स पर लगा के सर्व कर दें। कीमा बिरयानी अज्जा। बकरे का कीमा 200 ग्राम, चावल 1.5 कप, तेल 2 खाने के चमचे, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 अदद, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 3 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 15 से 20 पत्ते, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तली प्याज 1 कप, ज़ाफरान दूध में भिगोया हुआ, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब 1 पैन में तेल गर्म करके इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा डाल के सौते करें, फिर प्याज शामिल करके गोल्डन ब्राउन होने तक सौते कर लें, फिर इसमें कीमा शामिल करके मुसलसल सौते करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करें, फिर गर्म मसाला, नमक और तली प्याज डाल के मिक्स करें। चावल को पानी में उबालकर छान लें। अब आधे कीमे के ऊपर चावल की तह लगाएं, फिर इस पर तली प्याज, पुदीना, हरा धनिया, गर्म मसाला और दूध में भीगा हुआ ज़ाफरान, फिर मज़ीद कीमा, चावल और तमाम तह लगाकर तेल डालें और दम पर रख दें। आखिर में रायते के साथ सर्व कर दें।
सो हम रिकैप से वापस आ गए हैं। आई होप आपने दोनों रेसिपीज नोट कर दी होंगी, आप बनाएंगे। कीमा बिरयानी आज मैंने बनाया था बिकॉज ईद का मौका है, तो मैंने सोचा ज़रा बीफ के कीमे से कुछ बनाते हैं। सो इसी तरह आप भी बनाइएगा, डेकोरेट करिएगा। धनिया पुदीना अगर हम अंदर डालते हैं तो काफ़ी काला सा हो जाता है, तो मैं दम के बाद इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए रखती हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम देना है इसको ठंडा होने में, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्रंची और क्रिस्पी ऊपर से है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ले के ना इस तरह ऊपर आपने इसको पूरा फ्रॉस्ट कर देना है। सिंस इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट तो ये पिघलेगा, मगर हम इस तरह रखते जाएंगे। ओके जी नाजरीन, तो यहाँ तो फ्रॉस्टिंग थोड़ी पिघल रही है बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ सो हॉट। हायर के बिल्टिन अवन में से निकले हैं ये गरम गरम मज़ेदार से कॉफ़ी केक कपकेक्स। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। कीमा बिरयानी भी ज़रूर ट्राई करिएगा, किसी अच्छे से रायते के साथ सर्व कर दीजिएगा। सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन द रेसिपीज़, आप बनाएंगे ज़रूर और ईद पे आप दावत करें तो ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी with me Zarnak Sidwa. Allah Hafiz.